चलिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जितने भी सबसे पहले इस अधिकार रैली में बिहार नवयुवक सेना के जो तत्वाधान में जो अधिकार रैली हुई है, आप लोगों को मैं बता दूं इस अधिकार रैली का आयोजन करने के लिए मेरे पास एक रुपए भी नहीं थे पॉकेट में। एक रुपए समझते हैं ना आज कोई वैल्यू नहीं है, वो भी मेरे पास पैसा नहीं था। हमने, मैं एक किसान का बेटा हूँ और आज के डेट में किसान के बेटे की क्या तकलीफ है बिहार में या चंपारण में, किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों का जो एक ही सपना था और एक जीवन यापन करने का साधन था चीनी मिल, एक ही चीनी मिल था जो चल रहा था, उसको भी किसी न किसी कारणवश कुछ लोगों ने बंद करा दिया। अब क्या हुआ क्या ना हुआ हम ना जानते हैं, हमें तो बस किसान मजदूरों को, आपको पता है चीनी मिल चलने से 3 से 4 लाख लोग अस्थायी और अस्थायी रूप से प्रभावित होते हैं इस जिले के। आज जो हमारा किसान डोजर पर ट्रैक्टर पर जो गन्ना लाद के दूसरे जिला में जाता है, एक वो खाली चीनी मिल थोड़े ना जाता, चीनी थोड़े जाता है खाली, मैंने गन्ना केवल नहीं जाता है, वो गन्ना के साथ हमारे जिले के विकास चला जाता है, उस गन्ना के साथ किसान का अरमान चला जाता है। एक एक किसान जो अपने बेटी का झुमका, पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर धान का बीज 270 रुपए खरीदता है और बेच दे चाचा हम 17 रुपए किलो, अरे चलेगा का हो भाई, चलेगा लेखा, चलेगा लेखा, बेच दे 17 रुपया में, नहीं बेचेंगे। रहुआ चाउर देके पड़ल बनी हमनी का, जौ देके पड़ल बनी, चाउर जौ गेहूं मकई सारा हमनिये उपजाइले, हमनिये किसान के पूर्वक बनाए के चले तलू, ये नहीं ना होई। और आज ये चंपारण के जो नौजवान बाटे, किसान बा, मजदूर बा, दबा कुचला, पिछड़ा थे पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक सारा लोग, अब चाचा चाचा के ग्रह कर देनी समझा तनी नु, तो चाचा अब यहाँ के जनता बुड़बक बने वाला नहीं खे, अब जात आ धर्म के नाम पर हमनी का लड़े वाला नहीं की, अब हमनियो के चाहिए विकास, हमनियो के चाहिए पढ़ाई, हमनियो के चाहिए शिक्षा, हमनियो के चाहिए रोजगार, हमनियो के चाहिए स्वास्थ्य सुविधा, चाहिए कि ना चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए, सब चीज के लेकर के अधिकार रैली हमनी का आयोजन कर ले रही है। एमे डॉक्टर अतिकू रहमान जी काफी हमनी के सहयोग करनी, टिंकू श्रीवास्तव जी, विशाल जी, मतलब सारा लोग, जब अमित भाई वगैरह लेकर के, मतलब धनिक से लेकर के सारा लोग, आलोक जी, सनी भाई, मतलब केकर केकर हम नाम नहीं, मानी यहाँ जे जे लोग खड़ा बा हमारा लगे था, माने रौनी के रैली बा, हमारे रैली नहीं कि हमारा पॉकेट में तो एको रुपये न लगे कि हम रैली करूँ, हम तो हिम्मत दाब के, हिम्मत व्यवस्था क के हम रौनी के हक अधिकार लग खड़ा हो जाइले, हमारा शरीर में खून के अलावा या जान के अलावा रौनी के देवे लग कुछ नहीं थे, हम ये दे सकते तनी ये ला देवे चौवा जहाँ बोलाम जैसे बोलाम चौना बजे रात के बोलाम वहाँ हम निखाड़ा रहम, ये चीज लेकर के पैसा तो न बा भाई, आ हम हमारे लग शब्द नहीं खे, यहाँ जितना भी उपस्थित लोग खड़ा बा हमारा के सुन रहा बा, मुना भाई कहाँ कहाँ से, हमारा अमरिंदर भाई जी पत्रकार साहब, मतलब कितना लोग जो मेहनत करके लोग भीड़ इकट्ठा कर लगल हो, ये भीड़ नमूना रलक है, टेलर रलक है, फिल्म हमनी का तुरंते देखाएं आ जल्दी देखा देखा कि ना भाई लोग देखा, यहाँ जितना भी समाज के लोग जो उपस्थित बा हमनी के, अच्छा कुछ मांग बाटे है जो हम कहे जाता नहीं रहनी का को हम गलती बा कि सही बा, जिला के जितना पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनल बा वहाँ डॉक्टर रहे के चाहिए कि ना रहे के चाहिए, वहाँ सुविधा होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, और जिला के हर पंचायत में लगभग स्टेट बोरिंग जाना नहीं स्टेट बोरिंग पनिया निकाले खेत में जाले और पानी पटले, देखे हैं कहीं पानी पटते हुए नहीं ना देखे हैं, बनल बा और वह पता बा, वो हर महीना में डीजलों के पैसा उठा ले, अगर बिजलियों भी लावा ले, आ किसान के मल गुजारी रसीदों कट के चल जाले, पानी मिला ले ना मिले, सोनी भाई के एरिया में जाले हो ना जाए, क्यों के एरिया में ना जाए, हम तो देखनी एक दिन फाइल में तो डीएम साहब के फाइल में से वो पानी निकल ले, हम देख ले बनी, हम देख ले बनी, सुनिए ना पहले के माय निकल ले के माय जाले, डीएम साहब के फाइल माय निकली, वहां से जाई कलेक्ट्रेट माय कचहरी माय होते हुए पीएचडी डिपार्टमेंट बेलीसराय, बेलीसराय जब डिपार्टमेंट जाए तो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के फाइल में जाई, और फाइल में से तब कहां निकली सीधे ठेकेदार के पॉकेट में, आ ठेकेदार के पॉकेट में से जो चीज निकला ओकर नाम न धरम, ठेकेदार साहब के पॉकेट में से जो चीजवा निकला ले सीधे जाले कहां
तनका सुखे ने तनका सुख ने तनका सुख उनका पॉकेट में तनका सुख उनका पॉकेट में आ हमनी के का मिला ले खंता बाबा जी के खंता वे स्थिति बाटे तो ये समाज के निर्माण ये समाज के स्थापना समाज के बढ़िया बनावे के दृष्टि हम भाषण नहीं की देगा हमारा भाषण देवे ना वाले जे बात कह देनी फेंक कर हो सके आप लोग जिसको चाहे वोट दे सकते हैं हमको परवाह नहीं है वोट दीजिए जिस पार्टी को समर्थन करते हैं करिए लेकिन जहां अपना बाप दादा के बात है वही बा किसान की यहाँ लगभग 100% लोग किसान परिवार से हुई yes. बाकी ना लोग तो यहाँ बात बा किसान की यहाँ बात बा मजदूर के हमने किसानी करी ले भाई साहेब रहुआ सोना चांदी के दुकान बा ठीक बा कपड़ा के दुकान बा ठीक बा खाद के दुकान बा ठीक बा जूता चप्पल के दुकान बा ठीक बा किनी के वो सोना चांदी किनी के किसान ने किनी किसान के पॉकेट में पैसा ना रही था कहां से किनी तो हमनी भूखे मरम तो रहनी बच जाए पैसा खाए करोड़पति लोग उद्योगपति लोग पैसा खाई लोग जैया 5 साल अगर हमनी के ओतने जैया ठान लेला किसान नु कि ओतने उपजाम जितना हमार पेट पाले तो सारा करोड़पति लोग के करोड़ी मन बनल निकल जाये आज जे किसान ठान ले बाटे यहाँ से मजदूर जे ठान ले बाटे आ वो करके दिखाई और यहाँ एक एक जे नौजवान यहाँ खड़ा बाटे एक एक जे मजदूर यहाँ खड़ा बाटे आज यहाँ से वादा करो एक संकल्प देव कि आवे वाला समय में कम से कम जात और धर्म के नाम पर कोनो भ्रष्टाचारी को वोट मत दीजिएगा किसी घुसखोर को वोट मत दीजिएगा किसी धोखेबाज नेता को वोट मत दीजिएगा यही आग्रह है आप लोग सब हमसे सहमत है ना सहमत है एकदम सहमत है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अब इस कड़ी में हम सबसे पहले टिंकू श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करना चाहते हैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिन रात सबसे बड़का चीज चली हमारा खुशी भेल जान के कि डीएम साहब तक हमारा आवाज जा रहा बटे बहुत बहुत धन्यवाद अब जो है अब हम ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे सुबह से हमारे सारे नौजवान लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं हल्ला कर रहे हैं और आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम चाहते हैं कि थोड़ा हम बैनर पढ़ लेना चाहते हैं हम अपना थोड़ा साइड हो जाएगा लोग सबको केवल बैनर पढ़ लेते हैं और हम अपना मांग इस अधिकार रैली के पीछे का मांग था हम पढ़ के सुना देना चाहते हैं जिले के सभी जो डॉक्टर है अगर मांग सही होगा तो एक बार ताली जरूर बजाइएगा जिले के सभी डॉक्टर अपना फी कम करके आयुष 200 MBBS 300 रुपया करे ठीक है जिले के सभी जो आशा दीदी दिन रात काम करती है मरती है दुबई रात को उठ के चले जाती है रसोईया कर्मचारी जो अपना बाल बच्चा के खाना नहीं खिलाता लेकिन 9 बजे उठ के स्कूल में चल जाता है दूसरे के बाल बच्चा के खाना खिलावेला ओकरा रहला का अधिकार मिले ओकरा जे बाहु कर्मचारी के एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मचारी के सरकार नियमित क के वेतन मान देवे ठीक बा चौकीदार बहाली सुनते वही कहे चौकीदार बहाली में जितना बार 19774 जब हमारे भाई लोग बा सबके साइकिल परीक्षा होके चाहिए सबके बहाली होके चाहिए ठीक बा ठीक है। और चंपारण को जल्द से जल्द एक चीनी मिल दिया जाए ठीक है और जिले में जितने भी हमारे गरीब लोग हैं जो राशन से हमारे गरीब भाई बहन जो वंचित हैं उनका सही से जांच करके उनको राशन दिया जाए ठीक है नेक्स्ट है जिले में जितना भी स्टेट बोरिंग है सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेट बोरिंग लगा दिया है लेकिन बताए ना फाइले पानी पड़ता है पाकिटे उसका पेमेंट होता है तो जितना भी हमारे स्टेट बोरिंग है उसको जल्द से जल्द चालू करा के अस्थायी रूप से वहाँ पे जो कर्मचारी हैं बहाल किए नहीं है तो बहाल तो ठीक है नहीं है तो बहाल करके उनको नियमित किया जाए ताकि किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए ठीक है और जितना भी प्राइवेट स्कूल जिले में जो अभिभावकों को लूटने का जो काम करते हैं रीएडमिशन फी तो निकल लौड़ के सारा स्कूल से समाप्त कर देनी लेकिन अब रिय वो कनियो चला के बड़ा सन अब रिय मिशन के नाम बदल के डेवलपमेंट चार्ज रख दिल बड़ा सन 2800 3000 3200 लेते रह सन तब ओकरियो के रोके के बाटे और 3 साल से पहले कोनो किताब न बदले के चाहिए पूरा स्कूल में ठीक है ठीक है जिले में सारे जिले के कोने कोने से हमारी बहने
हमारी बहन नहीं है तो किसी न किसी की तो बहन है। चंदमारी मोहल्ले में जो पढ़ने जाती है छात्राएं उनके साथ जो छेड़खानी होता है, तो हमने सरकार से और यहाँ जिला प्रशासन से मांग किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे। तमाम ठीक था कि नहीं ठीक था, लेकिन इन्होंने वादा किया लेकिन अभी तक नहीं लगा, ये ठीक है नहीं ना? ठीक है, तो सब मांग हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज है और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एक बीए पास जितने भी हमारे छात्र और हमारे नौजवान साथी हैं, उन लोगों को प्रतिमा जो स्नातक पास कर रहा, स्नातक बीए पास भेला के बाद लड़का तो नहीं, या तो बिया ला तबाह हो लखले घर से हमारा लेखा, आ ना तो नौकरी करो अपन को अपन काम करो, तो वो परिस्थिति में पढ़े वाला लड़का भी चाह के मजबूरी में नौकरी करे के पड़ल। तो सरकार हमारा ये मांग है कि सरकार प्रतिमा 2,000 रुपए हर नौजवान स्नातक पास को दे, ताकि वो अपना तैयारी कर सके और अपने सपनों को साकार करके भारत को मजबूत बना सके। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे घोड़ासान के हमारे प्रत्याशी भी है, पूर्व में चुनाव भी लड़े, इन्होंने भी अपना हमको समर्थन दिया है प्रभु नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इनके लिए भी एक ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम पुनः जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं और हमारे मुन्ना भाई हैं, इनके लिए हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं, और जो अंसारी है एडमिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो अंसारी जी वी आर कमिंग टू यू, जस्ट सेइंग, जस्ट कम टू और हम चाहते हैं कि हमारे टिंकू भाई नहीं बोलते हैं तो कम से कम आज यहाँ पे इतने सामने एक लोग कुछ ना कुछ अपने दिल की बात कहें, वो तो बोलेंगे, दो मिनट उनको भी समय दे रहे हैं। आइए टिंकू जी, आ गए आइए, आ गए आइए, हेलो, आगे आगे जाइए। आज हम लोग बहुत मेहनत से ये अधिकार निकाले हुए हैं, तो जो सभी भाई आए हैं और बुजुर्ग जो आए उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भैया,